किड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आई जस्ट होप कि आप सब घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोग घर पे बैठे बैठे हमारे वीडियो देखते हुए आप लोग घर पे बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। और बेटा, एक चीज़ आप लोग को क्या करना है, जो आप लोग के मम्मी पापा बोले तो आप लोग को क्या करना है, बैठ के उनके साथ पढ़ना है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो क्या है, हाउ टू यूज़ ए और एन। हाउ टू यूज़ ए और एन इन फ्रंट ऑफ नाउन। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू यूज़ ए और एन इन फ्रंट ऑफ नाउन। बिफोर वी गो, हम क्या करेंगे, जो पिछले हफ्ता मैंने पढ़ाया था आप लोग को वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, वावल, कंसोनेंट्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेशल वावल एंड लास्ट वन इज वर्ड ऑफ द डे। ओके, मुझे कौन बताएगा कि वर्ड ऑफ द डे कौन सा था लास्ट टाइम। ओके, आप लोग कमेंट में लिखिए, दैट्स गुड। ओके, लास्ट में क्या था हमारा वर्ड ऑफ द डे, लास्ट क्लास में क्या था, कंपैशनेट। और मुझे कौन बताएगा कि फाइव मेन वॉवल्स क्या क्या था। ओके, आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए, जो जल्दी लिखेगा वो जीत जाएगा, दैट्स वेरी गुड। और स्पेशल वॉवल कौन सा था वो भी आप लोग कमेंट में जल्दी लिखिए, जो फर्स्ट कमेंट करेगा वो फर्स्ट आ जाएगा, दैट्स गुड। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू यूज़ ए और एन इन फ्रंट ऑफ नाउन। लेकिन उससे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ध्यान से सुनना है जो मैं पढ़ाऊंगी। आप लोग को एकदम बी लिसन टू मी केयरफुल्ली, आप लोग को क्या सुनना है, ध्यान से सुनना है। और अनदर थिंग यू हैव टू डू इज रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे आप लोग को बोलना भी है। ओके, हाउ टू यूज ए और एन। ए और एन मतलब जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हम कब ए यूज़ करते हैं और हम कब एन यूज़ करते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। बिफोर दैट हम पढ़ेंगे नाउन। यहाँ पे नाउन है ना, नाउन का मतलब क्या है, व्हाट इज नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड दैट mean a person, place, things and animals. Okay, हाँ, that's good. Okay, क्या है, noun is a word that mean a person, place, things और एनिमल्स। नाउन किस चीज़ को दर्शाते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दूंगी, आप लोग को उसको ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज एप्पल, A P P L E, apple. Second one is butterfly, B U T T E R F L Y, butterfly. और है school, sorry not school, elephant. और last one है octopus. Octopus आप लोगों ने कभी देखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो गूगल करके आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट वन है केक, केक। आप लोग अब देखिए, अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि कहाँ पे आप लोग को ए यूज़ करना है और कहाँ पे आप लोग को एन यूज़ करना है। समझ में आ गए। ओके, हमारा वावल क्या था, मैं आप लोग को साइड में क्या लिख देती हूँ, वावल, ताकि आप लोग को ईजीली याद आ जाए, ए ई I, O, U, ये चीज़ हमारा क्या है, वॉवल है।
तो याद रखना, मैंने आप लोग को बोला था कि जहाँ आगे का अल्फाबेट वॉवल हो वहाँ पे क्या लगते हैं, एन, ए एन, एन क्या लगता है, एन लगते हैं। लेकिन जहाँ पे जो आगे का अल्फाबेट, जो आगे का लेटर है वो वॉवल ना हो लेकिन उस वो क्या हो, वो कंसनेंट हो, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ए, उसमें हम क्या लगाते हैं, ए। दैट्स वेरी गुड। ओके, यहाँ पे है एप्पल, एप्पल, एप्पल का फर्स्ट वर्ड क्या है, ए, तो ए हमारा क्या है, वॉवल, तो वॉवल में मैंने क्या बोला, हमारे लगेगा एन एप्पल, क्या है, एन एप्पल, एन। अब आप लोग ध्यान से सुनना, एन एप्पल। और सेकेंड में है बटरफ्लाई, ये क्या है, बटरफ्लाई, ये क्या है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या है, बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स, तो बी में क्या आएगा, ए, बी में क्या आएगा, ए, ए बटरफ्लाई, समझ में आ गए। और ई, ई क्या है, ये एलिफेंट, एलिफेंट, तो एलिफेंट हमारा ई क्या है, हमारा वॉवल, तो ई में क्या लगेगा, एन, ए एन, एन। सो आप लोग को समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। सो ओ, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मतलब ये एक क्या है, फिश है जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, ओ ऑक्टोपस, ये क्या है, ये सी फूड है, ओ ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस में ओ क्या है, यहाँ पे देखिए ओ क्या है, वॉवल, ओ क्या है, वॉवल, तो वॉवल में क्या लगेगा, एन ऑक्टोपस, एन ऑक्टोपस। ओके, और लेग्स, लास्ट वन है केक, सी ए के ई, केक, केक में हमारा सी क्या है, वॉवल है, यस, सी हमारा वॉवल नहीं है, तो सी हमारा क्या है, कंसोनेंट्स है, क्या है, कंसोनेंट, तो सी में हमारा क्या लगेगा, ए कंसोनेंट। ओके, फिर से हम ऊपर से देखेंगे, देखो ये ए क्या है, वॉवल, बी क्या है, कंसोनेंट्स, सी ई क्या है, वॉवल, ओ क्या है, वॉवल, सी क्या है, कंसोनेंट्स। सो देखो, अब देखना बेटा, जब हम वॉवल यूज, वॉवल वर्ड यूज करते हैं तो एक ही सेंटेंस में इसका प्रोनाउंस होते हैं। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, एन एप्पल, एन एप्पल, इसका क्या है, साउंड्स का है, एक ही से आ रहा है, एन एप्पल। अब बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या है, ये क्या है, बी क्या है, कंसोनेंट, तो इसका साउंड क्या होगा, अलग होगा, ए बटरफ्लाई, क्या है, ए बटरफ्लाई। और ये एलिफेंट है, एलिफेंट में क्या है, ई क्या है, वॉवल, तो इसके साथ क्या है, एन, तो आप लोग ध्यान से सुनना, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को, दैट्स गुड। ओके, ऑक्टोपस, ये क्या है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में ओ हमारा क्या है, वॉवल है, तो ऑक्टोपस में क्या है, एन ऑक्टोपस, एन ऑक्टोपस। और लास्ट में है केक, सी ए के ई, केक, सी हमारा क्या है, कंसोनेंट्स है, क्या है, सी हमारा कंसोनेंट्स है, तो क्या लगेगा, अ केक, अ केक। ओके, आप सब लोग को समझ में आ गए, दैट्स गुड। ओके, लेट्स डू सम एक्स्ट्रा वर्क, हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। ओके, मैंने आप लोग को बताया था, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स एसेट्रा, तो क्या है, अब हम करेंगे एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा काम करेंगे, बॉल, बी ए डबल एल, बॉल, स्कूल, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, अनदर वन डॉक्टर, और लास्ट वन इज डॉग। ओके, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला था, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ओके, बॉल यहाँ पे क्या है, बॉल हमारा क्या है, बॉल थिंग्स है, क्या है, बॉल क्या है, थिंग्स, बॉल क्या है हमारा, थिंग्स। स्कूल, स्कूल क्या है, एक जगह है, प्लेस वेर वी गो, स्कूल क्या है,
प्लेस प्लेस यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जब आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग क्या पहनते हैं यूनिफॉर्म तो ये क्या हो गए एक थिंग्स हो गए डॉक्टर डॉक्टर जब भी आप लोग बीमार पड़ते हैं तो आप लोग कहाँ जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर क्या है एक पर्सन है एक हमारे जैसा इंसान है यही है पर्सन और डॉग डॉग मतलब क्या है एनिमल डॉग क्या है एनिमल आप लोग को समझ में आ गया है नाउन नाउन क्या है अ नाउन इज अ पर्सन प्लेस थिंग्स एंड एनिमल्स ओके सो बॉल क्या है थिंग्स स्कूल का है प्लेस वेयर वी गो और यूनिफॉर्म क्या है थिंग्स जहाँ जो हम पहनते हैं और डॉक्टर डॉक्टर मतलब पर्सन डॉक्टर मतलब हमारे जैसा क्या है वो भी इंसान है और डॉग मतलब क्या है एनिमल अब सबको समझ में आ गया ओके नाउ लेट्स प्ले गेम नाउ इट्स गेम टाइम इट्स फन टाइम सो अभी गेम का नाम है गेम का नाम है यू विल गेम का नाम क्या है यू विल डब्ल्यू आई डबल एल विल यू विल अभी गेम का नाम क्या है यू विल तो आप लोग को क्या करने अभी क्या करने पिछले बार की तरह जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए सब लोग हाँ दैट्स गुड अब क्या है अब मैं कुछ सिचुएशंस दूंगी मैं आप लोग को कुछ बोलूंगी कुछ क्वेश्चंस करूंगी कुछ आप लोग के क्वेश्चंस मैं दूंगी आप लोग को क्या करना है उस कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आप लोग को क्या करना है टाइप करना है ठीक है टाइप करना है और मैं भी क्या करूंगी टाइप करूंगी समझ में आ गए ओके पहले तो आप अपना परिवार का जिस किसी का भी आप लोग नाम लिख सकते हैं जो आपके परिवार में जैसे कि मम्मी पापा हो गए कमेंट बॉक्स में हाँ जिसके किसी का भी नाम हो गए तो क्या कर सकते हैं आप लोग नाम लिख सकते हैं जैसे कि नेम नेम एन ए एम ई नेम प्लेस पी एल ए सी ई प्लेस ऐसे लिख सकते जो मैं लिख रहे हो आप लोग भी ऐसे लिखे एनिमल ए एन आई एम ए एल एनिमल और थिंग्स नेम प्लेस एनिमल थिंग्स आई जस्ट होप कि आप लोग खेलते भी होंगे ये गेम है ना ओके आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए नेम प्लेस एनिमल थिंग लिखिए नेम प्लेस एनिमल थिंग जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग दैट्स वेरी गुड तो आप लोग को क्या करना है नेम आप लोग को जो नाम आप लोग को याद है आपके फैमिली का नाम आप लोग लिख सकते हैं ओके अब टाइम पहले मैं आप लोग को बताती हूँ नेम में क्या है आप लोग जो आप लोग का फैमिली है उसमें आप लोग नाम लिख सकते हैं फैमिली का नाम ठीक है जो आप मम्मी पापा जो भी हो और प्लेस प्लेस मतलब ये लिखना कि आप कहाँ पे रहते हैं और या फिर आपको कौन सी जगह जाना पसंद है उसमें आप लोग प्लेस लिख सकते हैं और एनिमल एनिमल आपको आपके घर में कौन सा एनिमल है या फिर आप लोग को कौन सा एनिमल पसंद है उस एनिमल को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और थिंग्स थिंग्स मतलब आप लोग के घर में शायद किसी के घर में डॉल होगा टेडी बियर होगा किसी के घर में कार होगा जो आपको पसंद आते जो आपके घर में हो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओके द टाइम स्टार्ट नाउ ओके मैं भी आप लोग के साथ जल्दी जल्दी खेल लेती हूँ एलन प्लेस गोविंदपुरी एनिमल डॉग आई जस्ट लव डॉग थिंग्स व्हाट आई हैव टेडी बियर टेडी बियर आप सबने लिख लिया दैट्स वेरी गुड शायद मैं जल्दी हो गई आप लोग जल्दी हो गए मुझे पता नहीं लेकिन हाँ लेकिन एक चीज़ अब ये तो हो गया लेकिन गेम अब शुरू होगा देखिए यहाँ पे लिख लिया सबने अपना अपना नाम लिख लिया थिंग्स भी लिख लिया प्लेस भी लिख लिया और क्या लिख लिया एनिमल भी लिख लिया अब कंपटीशन यहाँ है अब आप यहाँ पे कर सकते अब देखना यहाँ पे वावेल कौन सा है
और कॉन्सोनेंट कौन सा है, जैसे कि आप लोगों ने जो भी कमेंट बॉक्स में लिखा होगा तो वहाँ पे देखना कि वॉवल कौन सा है और कॉन्सोनेंट कौन सा है। बस उसमें आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट वर्ड वॉवल है तो उसमें क्या लगाना है, एन। अगर फर्स्ट वर्ड वॉवल नहीं है तो उसमें क्या लगाना है, ए। तो जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, एन जी ए डॉग 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 ए टेडी बियर ए। नो, मैंने गलत कर दिया, देखो मैं हार गई, आई थिंक मैं आप लोगों से हार गई, मैं जीतती नहीं हूँ, कभी भी गेम जीतती नहीं। ये डॉग क्या है, ये डॉग, हाँ मैं जीत गई, ये डॉग क्या है, ए ए, क्योंकि ये डी क्या, डी हमारा वो है वॉवल है नहीं, जी वॉवल है नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, ए ए ए, और बस ए हमारा क्या है, वॉवल है, तो ये क्या है, एन। ओके द टाइम इज स्टॉप, आप लोग क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आप कोई मत लिखिएगा, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न सिनोनियम्स, लास्ट क्लास की तरह हम पढ़ेंगे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, एस वाई एन ओ एन वाई एस, सिनोनियम्स। ओके आज हम सिनोनियम्स पढ़ेंगे, मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में सिनोनियम्स क्या है, सिनोनियम्स मतलब जो वर्ड है वो डिफरेंट है लेकिन जो मीनिंग है मीनिंग सेम है। तो आज हम आप लोग जो मैं लिखवा रही हूँ आप लोग प्लीज़ आप लोग नोटबुक में लिखिएगा ताकि आप लोग का आगे जाके थोड़ा आप लोग के लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो। ओके आज का फर्स्ट सिनोनियम्स वर्ड है ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, जो आप लोग बहुत सुंदर है तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का दूसरा, ब्यूटीफुल मतलब क्या है, सुंदर, लेकिन उसका दूसरा सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं, वो है प्रीटी, पी आर ई टी टी वाई, प्रीटी। आप लोग की तरह ब्यूटीफुल प्रीटी, आप लोग भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, आप लोग भी बहुत प्रीटी भी है। ओके सिनोनियम्स क्या है, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का दूसरा वर्ड क्या है, प्रीटी। एंड नेक्स्ट वन इज स्केर्ड, ए सी ए आर ई डी, स्केर्ड, स्केर्ड मतलब डरा हुआ। आप लोग डरते हैं क्या, शायद आई थिंक कोरोना के वजह से सब डर रहे हैं ना, सो डरा क्या है, स्केर्ड को क्या बोलते हैं, डरा हुआ। तो स्केर्ड का दूसरा मीनिंग क्या है, अफ्रेड, क्या है, अफ्रेड, ए एफ आर ए आई डी, ए एफ आर ए आई डी, अफ्रेड। सो स्केर्ड मतलब क्या है, डरा हुआ, और अफ्रेड मतलब भी डरा हुआ। तो ये है हमारा आज का दिन का सिनोनियम्स, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मीनिंग है प्रीटी, ब्यूटीफुल प्रीटी, लेकिन क्या है इसका मीनिंग क्या है, सेम है, सुंदर है, लेकिन इन लोग का क्या है, वर्ड जो है वो डिफरेंट है। और स्केर्ड और अफ्रेड, स्केर्ड और अफ्रेड भी क्या है, इनका वो जो वर्ड है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन इन लोग का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है। दैट्स वेरी गुड। ओके हम अब जल्दी जल्दी जाएंगे एंटोनियम्स, एंटोनियम्स जो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बोला था, एंटोनियम्स मतलब क्या है, एंटोनियम्स मतलब जो मीनिंग क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। एंटोनियम एन वाई एम एस, ओके एंटोनियम्स, एंटोनियम्स मतलब जो मीनिंग होते हैं वो मीनिंग क्या होते हैं, वो अलग होते हैं, क्या होते हैं, मीनिंग, सॉरी मीनिंग अलग नहीं, मीनिंग क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, अपोजिट मीनिंग होते हैं। ओके फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वन हमारा जो एंटोनियम्स है वो क्या है, विन, डब्ल्यू आई एन विन, विन मतलब जब आप लोग जीतते हैं तो आप लोग, विन मतलब क्या है, जीत, जो आप लोग किसी भी गेम में आप लोग जीत जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, विन। और विन का अपोजिट क्या होगा, लूज, क्या होगा, लूज,
LSE lose. आप लोग लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ, आप लोग भी सुन भी लीजिएगा और आप लोग क्या कीजिए, आप लोग लिख भी लीजिए. ओके ओके. विन विन मतलब जीत. जब आप गेम खेलते हैं तो कई बार आप लोग जीत जाते हैं तो इसका क्या मतलब, उसको बोलते हैं विन. लेकिन कई बार हम जब गेम खेलते हैं तो कई बार हम क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, लूज. सबको समझ में आ रहा है? ओके. अब है टू में है. अब हम करेंगे जूनियर. JUNIOR जूनियर. जूनियर मतलब छोटा. आज जैसे कि आप लोग को पता है ना, आप लोग के स्कूल में क्या होते हैं, जूनियर क्लासेस और सीनियर क्लासेस, मतलब कि बड़ा क्लासेस छोटा क्लासेस. लो ये जूनियर मतलब है कि जो छोटा होते हैं, ठीक है. जूनियर मतलब छोटा. और जूनियर का जो अपोजिट मीनिंग है उसका मीनिंग है सीनियर. SENIOR सीनियर. आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा. विन विन मतलब जीत और लूज लूज मतलब हार. इसका अपोजिट मीनिंग. और जूनियर मतलब छोटा लेकिन सीनियर मतलब बड़ा. दैट्स वेरी गुड. आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं. आप लोग बहुत अच्छे और टैलेंटेड बच्चे हैं. आप लोग किसी से टैलेंटेड और कोई भी नहीं है. आप लोग सबसे टैलेंटेड बच्चे आप लोग हैं. और अब हम लास्ट सीखने जा रहे हैं वर्ड ऑफ द डे. क्या है, सब मेरे साथ बोलिए वर्ड ऑफ द डे. सॉरी, वर्ड ऑफ द डे. ओके, वर्ड ऑफ द डे. अब हम क्या सीखेंगे आज का, हमारे साथ जो मेरे साथ है वर्ड ऑफ द डे, आज के दिन के शब्द जो है वर्ड है वो है रेस्पेक्ट. वो क्या है, रेस्पेक्ट. RESPECT रेस्पेक्ट. ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वर्ड ऑफ द डे क्या था, कंपैशनेट, जिसका मतलब दयालु. जो हमें इंसान को क्या होना है, हम लोग को क्या होना है, दयालु होना है. और ये आज जो हम सीख रहे हैं वो हम क्या है, आज का वर्ड ऑफ द डे है रेस्पेक्ट. क्या है, रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट का मतलब होते हैं आदर. रेस्पेक्ट का मतलब क्या होते हैं, आदर. जो आप लोग क्या करते हो, अपने मम्मी पापा को क्या करते हो, आदर करते हो. लेकिन यही नहीं, आप लोग को मम्मी पापा कोई नहीं, लेकिन वर्ल्ड में जितने लोग हैं, आपसे छोटा हो या फिर आपसे बड़ा हो, उन सबको हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है. उन सबको हमें क्या करना है, आदर करना है. ओके, आप लोग को समझ में आ गया. ओके, अब हम फर्स्ट से रिपीट करेंगे. फर्स्ट हमने पढ़ा है हाउ टू यूज, यूजिंग USING using a or an in front of noun. और सेकेंड में हमने क्या पढ़ा, synonyms. और लास्ट में हमने पढ़ा antonyms. और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, word of the day. क्या पढ़ा, word of the day. फर्स्ट हमने पढ़ा how to use ए और एन इन फ्रंट ऑफ नाउन. मैंने आप लोग को इसी के बेस में क्या किया, आप लोग को गेम भी खिलाया और कई लोग आप लोग जीत भी गए और कई लोग बहुत अच्छे से गेम को भी खेला. तो हमने क्या सीखा, हाउ टू यूज़ ए और एन इन फ्रंट ऑफ नाउन हमने सीखा. और फिर उसके बाद सीखा सिनोनियम्स. सिनोनियम्स में हमने क्या सीखा, ब्यूटिफुल और प्रिटी. फिर उसके बाद दूसरा क्या था, स्केर्ड और अफ्रेड. और एंटोनियम्स, एंटोनियम्स में हमने क्या सीखा, एंटोनियम्स में क्या था, विन और लूज. फिर सेकेंड नंबर में क्या था, जूनियर और सीनियर. और लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, लास्ट वन हमने क्या सीखा था, वर्ड ऑफ द डे. वर्ड ऑफ द डे हमारा क्या था, आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे था रेस्पेक्ट. RESPECT रेस्पेक्ट. आज हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या था, रेस्पेक्ट. जो हमें सब लोगों को करना है, वेदर वो लोग छोटे हो या बड़े हो, मम्मी हो या पापा हो, भाई बहन जो भी हो, आप सब लोगों को क्या करना है, हमें रेस्पेक्ट करना है.
सो ओके बच्चों, आई जस्ट होप कि आप सब लोग घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और एक चीज़ बेटा आप लोग को याद करना कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि हम उसको फिर से आप लोग को समझा पाए। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। Bye-bye.